दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इस घोटाले में बुरी तरह से फंसी केजरीवाल सरकार अब तक ये कह रही थी कि अगर वास्तव में सीबीआई के पास सबूत है तो वो गिरफ्तारी क्यों नहीं करती। आखिरकार केजरीवाल सरकार की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। सीबीआई ने अपनी बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। अब जल्द ही इस घोटाले के मुख्य आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नंबर आ सकता है। सीबीआई ने एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर को अरेस्ट किया है। उनको इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। बता दें कि ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था। विजय नायर ओनली मच लाउडर नाम की एंटरटेनमेंट और मीडिया इवेंट कंपनी के पूर्व सीईओ हैं। सूत्रों ने बताया कि विजय नायर को सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। विजय नायर पर चुन चुनकर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने का आरोप है। वहीं अब तक शराब घोटाले में बयानबाजी कर रही आम आदमी पार्टी भी अब सख्ते में है, लेकिन अब विजय नायर की गिरफ्तारी पर उसकी सफाई आई है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अक्षय मराठे ने कहा कि विजय नायर कुछ सालों के लिए पार्टी के संचार प्रभारी थे। वह बोले कि उनको फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। मराठे ने दावा किया कि यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि नायर गुजरात चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे। वहीं विजय नायर की गिरफ्तारी पर भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा ने कहा कि मनीष सिसोदिया अभी शुरुआत हो गई है, बहुत जल्दी आपकी और अरविंद केजरीवाल की तमन्ना पूरी होगी। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने लिखा है कि विजय नायर की गिरफ्तारी शराब घोटाले का हर सच सामने लेकर आएगी। मिश्रा ने दावा किया कि विजय नायर के तार मुख्यमंत्री केजरीवाल तक जाते हैं। मिश्रा का दावा है कि शराब घोटाले से लेकर पंजाब के अवैध लेनदेन तक सबकी हैंडलिंग विजय नायर करता था। दिल्ली की शराब नीति मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापा पड़ा था। शराब नीति को लेकर ईडी ने दुर्गेश पाठक को भी समन भेजा था। गौरतलब है कि दिल्ली की शराब नीति पर मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में GNCTT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया द्वारा कुल प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइनल अप्रूवल के कई बड़े फैसले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।